हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है बायपास स्टडी स्टूडियोज पे, विच इज अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो यहाँ पे आज हम लोग आपके साथ शेयर करने वाले हैं 2020 में जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उसकी आज आपको पूरी एक लिस्ट मिलने वाली है। ऑल्दो ये सारी चीज़ें सुबह 7 बजे के करंट अफेयर्स में हम कवर तो करते हैं, लेकिन वो हर दिन का करंट अफेयर्स होता है, तो यहाँ पे आपको एक कंपाइल्ड फॉर्म में 10 मिनट में सारे के सारे नाम हम आपको रटा देंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि जो एनसीईआरटी के क्लासेस चल रहे हैं, प्लीज़ इसको अवेल कर लीजिएगा। अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी, स्टेट लेवल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी, और एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तब भी ये किताबें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। और अगर ये वीडियो के फॉर्मेट में मिल रही है तो और क्या चाहिए। एक महीने का सब्सक्रिप्शन कितने में? जस्ट 99। लेकिन ये 99 कब होगा? जब आप इस कोड को यूज़ करोगे, Krati10 कोड को यूज़ करोगे तब। इसके अलावा लाइफ टेस्ट और डिफेंस एग्जाम वाला जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, बायपास स्टडी स्टूडियोज को तो सब्सक्राइब करना बनते ही है, इसको नहीं करोगे तो फिर नोटिफिकेशन कैसे आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले नाम से। सबसे पहला नाम क्या है यहाँ पे? फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी, यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में पहले काम कर चुके राजीव कुमार जी को अभी हाल ही में PESB के चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। अब आप मुझे बताएंगे व्हाट इज PESB, क्योंकि 5 बजे का जो क्लास होता है वो होता है रिविजन। हर दिन मैं आपको ये कहती हूँ, तो आज है मंडे का दिन। एक चीज और बता दें, आज है मंडे का दिन और 9 से 10 बजे रात में PM लिखा हुआ है, AM नहीं लिखा है। रात में 9 से 10 बजे आज आपको मिलने जा रहा है एक स्पेशल क्लास नेशनल पार्क के ऊपर। ये जो क्लास होगा ये रेलवे से लेके यूपीएससी तक के लेवल को कवर करने वाला है, तो इस क्लास को अटेंड करना मत भूलिएगा। अगर आप यूपीएससी का पेपर कभी देखे होगे तो आप समझ गए होंगे कि अच्छा व्हाट विल बी द लेवल। तो ये आप मुझे बताएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ PESB। ठीक है, दूसरा देखो यहाँ पर CVC। अभी हाल ही में संजय कोठारी जी ने शपथ ली है एज अ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, और इनको शपथ दिलाने का काम किसने किया है? राष्ट्रपति के द्वारा ये शपथ दिलाई गई है। जब भी हम बोलते हैं विजिलेंस, विजिलेंस का मतलब है कि जो करप्शन होता है उसको रोकने का काम किया जाएगा इस कमीशन के द्वारा। ये भी याद रखना है, इसके लिए कोई भी आर्टिकल नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अगला सवाल, कपिल देव त्रिपाठी जी, हाल ही में इनकी नियुक्ति करी गई है एज अ न्यू सेक्रेटरी। इनको नए सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। किसके सेक्रेटरी होंगे ये? राष्ट्रपति के सेक्रेटरी के रूप में ये काम करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट इनका नाम हो गया भैया। देखो, जो भी इंपॉर्टेंट नाम है वो सारे मैंने यहाँ कवर कर दिए। अगला देखो, विश्वनाथन आनंद, आपको पता ही है कौन से खेल से जुड़े हुए, इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिला था। अब इनको अभी हाल ही में WWF के एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। WWF का फुल फॉर्म जरा बोलना कमेंट सेक्शन में क्या है, और सेशन को प्लीज और लाइक और शेयर जरूर कर देना। ये काम तो तुम लोग कर दिया करो। WWF का फुल फॉर्म बताओ। मैं नहीं बता रही, ये बच्चों वाली चीजें मैं नहीं बता रही, अब तुम लोग को इतनी बार बता चुके हैं। अगला देखो, नैसकॉम के चेयरपर्सन अभी नए कौन अपॉइंट किए गए? UB प्रवीण राव जी को नैसकॉम के नए चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला नाम आ जाता है यहाँ पे, इंडियन कोस्ट गार्ड जो है उसकी DIG के रूप में अभी सबसे पहली महिला को नियुक्त किया गया है। इनका नाम क्या है? नुपुर कुलक्षेत्रा। तो इनका नाम याद रखना, अब कुलक्षेत्रा नाम आएगा, तुम लोग आधे लोग तो श्रीलंका पहुंच जाओगे, क्योंकि वो एक है ना क्रिकेट प्लेयर उनके नाम के साथ। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि नुपुर कुलक्षेत्रा जो है ये इंडिया के अंदर सबसे पहली DIG और विमेन है जो इनको इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर अपॉइंट किया गया। अगला CIC, अभी मैंने बोला ना CVC, अब CIC क्या करेगा? तो RTI के अंदर राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का जो अधिकार होता है, उसी के अंदर एक कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम है CIC कमेटी, और ये RTI के साथ ही मिलकर काम करती है। ठीक है, इसके अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? बिमल जुल्का जी को अपॉइंट किया गया। और देखो यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि इनको भी शपथ कौन दिलाएंगे? प्रेसिडेंट ही दिलाएंगे। RTI के लिए अगर हम देखें तो कौन सा यहाँ पे आर्टिकल नंबर आ जाएगा? आर्टिकल नंबर 19 भी है और आर्टिकल नंबर 21 भी है, दोनों में आपको RTI मिलेगा। अगला देखो, फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में अभी हाल ही में किसको अपॉइंट किया गया? अजय भूषण पांडे जी को, और देवशीष पांडा जी को एक स्पेशल पोस्ट दी गई है, एक स्पेशल पोस्ट प्रोवाइड करी गई है फाइनेंस सेक्रेटरी के अंदर ही। अगला देखो यहाँ पे, अमरजीत सिन्हा और भास्कर कुलबे, इनको अपॉइंट किया गया है एज अ एडवाइजर टू PM, PM के एडवाइजर के रूप में इनकी नियुक्ति करी गई है। नेक्स्ट नाम यहाँ पे क्या है, भारत सरकार के द्वारा अभी हाल ही में TS तिरुमूर्ति जी को अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू एनवॉय, कहाँ के? UN के, यूनाइटेड नेशन के नए एनवॉय, या हम कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला नाम आ जाएगा यहाँ पे दीपक मित्तल जी का, इनको अभी रिसेंटली कतर के अंदर एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। कतर की कैपिटल क्या हो जाएगी? दोहा रहेगी इसकी कैपिटल, ये भी अरब कंट्री है। ये याद रखना कि OPEC जो नेशन है उसमें टोटल 15 देश पहले आते थे, अब कितने हो गए? 13।
इक्वाडोर बाहर हो गया और दूसरी कंट्री कौन सी बाहर हुई है, तो वो कतर बाहर हुई है। जब हम दोहा बोलेंगे तो 2022 में यहाँ पर फुटबॉल होने वाला है, फीफा फुटबॉल होगा। या देखो अगर थोड़ा शोर हो रहा है तो प्लीज़ मैनेज कर लेना, क्योंकि घर से क्लास लेने पे यही होता है कि थोड़ा डिस्टर्बेंस तो होता ही होता है। अगला देखो यहाँ पे BSNL PK पुरवार जी, अभी हाल ही में इनको MTNL का भी चार्ज दे दिया गया, जैसे होता है ना एडिशनल चार्ज दिए जाते हैं जैसे गवर्नर में होता है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर इनको एक और चार्ज दे दिया गया। अगला देखिए केयर रेटिंग्स, इसके लिए MD और CEO के रूप में अपॉइंट किया गया है अजय महाजन जी को। टोटल यहाँ पे 20 आपको नाम ऐसे मिलने वाले हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगला नाम, युगांडा के हाई कमिश्नर के रूप में अजय कुमार जी को नियुक्त किया गया है। युगांडा अगर आया है तो भैया जरा इसकी कैपिटल मुझे बताओगे, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, जरा इसकी कैपिटल बताओ, जल्दी से कैपिटल आंसर करना। नेक्स्ट पे आइए, संजय कुमार पांडा जी, इनको अभी हाल ही में टर्की के अंदर नेक्स्ट एम्बेसडर अपॉइंट किया गया। जब हम टर्की बोलेंगे तो अर्दगन वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, कैपिटल हो जाएगी अंकारा और करेंसी हो जाएगी लीरा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये नाम हो जाता है क्योंकि टर्की जो है वो लोकेटेड है ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी के बीच में। जब आप मैप देखोगे ना, ऊपर की तरफ काला सागर, नीचे की तरफ भूमध्य सागर है। ठीक, अगला देखो, श्रीलंका के अंदर नए एम्बेसडर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो गोपाल बागले जी को अपॉइंट किया गया है फ्रॉम इंडिया। श्रीलंका की कैपिटल हो जाएगी यहाँ पे जयवर्धनेपुरम कोट्टा एंड कोलंबो। इसके अलावा आपको याद रखना है कि यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, गोटाबाया राजपक्षे हैं। PM कौन हो जाएंगे, महिंदर राजपक्षे। राइट, नेक्स्ट पे आइए, अजय बिसारिया, इनको अपॉइंट किया गया है नए एम्बेसडर के रूप में, कहाँ, कैनेडा के लिए। कनाडा की कैपिटल ओटावा हो जाएगी और इसकी करेंसी क्या रहने वाली है, कैनेडियन डॉलर। तो इनका नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट, कनाडा के अंदर ही आपको मिलेगा मॉन्ट्रियल, जहां पर आपको किसका हेडक्वार्टर मिलता है, वाडा का हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो कुछ बैंक के अंदर कुछ नई पोस्ट है, जैसे कि कैनरा बैंक के अंदर यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे, नाम दिख रहा होगा, प्रभाकर जी को अपॉइंट किया गया एज MD एंड CEO। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर संजीव चड्ढा जी को अपॉइंट किया गया और बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अतानु कुमार दास जी को अपॉइंट किया गया। बैंकिंग वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला देखो, आई थिंक ये लास्ट वाला अपॉइंटमेंट होगा, USA के अंदर जो नेक्स्ट एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं तरनजीत सिंह जी। अच्छा देखो एक चीज़ और, एम्बेसडर और हाई कमिश्नर में तुम लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हो, तो ज़रा ये ध्यान रखना, अगर हम हाई कमिश्नर बोलें या एम्बेसडर बोलें, काम सेम होता है, काम में कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन जब हम बोलते हैं ना हाई कमिश्नर, हाई कमिश्नर का मतलब ये हो गया कि अगर ऐसी कोई भी कंट्री रही होगी जो कभी ना कभी ब्रिटेन की एक कॉलोनी रही होगी, एक उपनिवेश रहा होगा, तो वहाँ पे जब अपॉइंटमेंट होता है तो हाई कमिश्नर बोला जाता है। लेकिन जितनी भी ऐसी जगह हैं जहाँ पर ब्रिटेन ने कभी भी रूल ही नहीं किया है, वहाँ पर जो नाम यूज़ किया जाता है दैट इज़ एम्बेसडर। काम में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला देखो यहाँ पर, IBA के अंदर अभी हाल ही में सुनील मेहता जी को अपॉइंट किया गया है एज अ CEO। तो यार इतने नाम मैंने बता दिए हैं, अब इतने नाम आपको रट्टा मार लेना है, क्योंकि ये सारे अपॉइंटमेंट अभी हुए हैं 2020 में, जनवरी से लेके अभी मार्च तक के बीच में, एक्चुअली अप्रैल भी हो गया है इसमें, अप्रैल तक के जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए। इसके अलावा जो GA का बैच चल रहा है अनअकैडमी पे, प्लीज़ इसको अवेल करना मत भूलना, क्योंकि इसमें हम GA कवर कर रहे हैं, लेकिन मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश जो है ये आपको किसी भी अनअकैडमी के फैकल्टी की मिल जाएगी, जो भी आपके फेवरेट होंगे। बस इसको अवेल करने के लिए कोड क्या यूज़ करना है, कोड विल बी Kriti10। SSC लिखा SSC है, लिखा SSC है, लेकिन रेलवे, DRDO, स्टेट लेवल एग्जाम, UP SSSC या फिर SSC के अंदर MTS, CGL, CHSL, एनी एग्जाम, और इन सब के साथ में इन सबसे ऊपर हो जाता है आपका UP SSSC। इनमें से अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि अभी तो हम इसमें पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अब इसमें ज्योग्राफी स्टार्ट होने जा रही है, तो एक ये नया जो आपके लिए धमाका शुरू होने जा रहा है वो है पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी स्टार्ट होने जा रही है। तो हम में से जितने भी ऐसे हैं जिनको इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी है, पूरा कंप्लीट ज्योग्राफी टिल स्टेट लेवल, देखो UP PCS का फॉर्म आ गया है, BR PCS हो, झारखंड का PCS हो, राजस्थान का PCS हो, हर एग्जाम में ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स और हिस्ट्री, ये चार इंपॉर्टेंट होते हैं ना। तो ये जो बैच आपको मिल रहा है ना SSC वाला, इसमें हम पॉलिटी अभी पढ़ा रहे हैं, फिर ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक हिस्ट्री, ऐसे चलता रहेगा। और इसका जो अमाउंट है ना वो सिर्फ इतना है पूरे एक साल का, जिसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश भी साथ में मिल रही है, इसलिए मैंने बोला इतना है। इतने में अगर साल भर में आपको SSC के सारे क्लासेस मिल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह GS आपको बिल्कुल बेसिक टू एडवांस मिल रही है, मतलब 0 to 0 बन रहे हो, तो और क्या चाहिए।
इसके अलावा आप यूपीएससी के बैच को भी अवेल कर सकते हो, और अगर आपने स्पेशल क्लासेस नहीं देखे हैं मेरे, क्योंकि जब अगर इसके लिए अमाउंट इन्वेस्ट करोगे, 2 साल का सब्सक्रिप्शन है इतने रुपए में, तो ऑब्वियस सी बात है आप पूछोगे ना, मैम आप पढ़ाते क्या हो? तो इसके लिए रात में 9 से 10 बजे अन अकेडमी पर स्पेशल क्लासेस में जुड़ना मेरे साथ ज़रूरी है आपके लिए। और आपको लिंक कहाँ से मिलेगा, तो ये जो मेरा टेलीग्राम चैनल है t.me/gsbykriti, ये है इसका लिंक, नाम ये रहेगा करंट अफेयर्स बाय कृति। ये ध्यान रखना कि कितने सब्सक्राइबर्स हैं इसमें, क्योंकि काफ़ी सारे फेक अकाउंट भी बने। अब आपसे मुलाकात होगी कितने बजे, 7 बजे के सेशन में। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अलार्म लगा के सोइएगा, ताकि टाइमली आपकी नींद खुल जाए 7 बजे। तो मिलते हैं 7 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।